नारायण सिंह है जी। जब पिछले साल भी जब ये लॉकडाउन लगा था, जब ये महामारी आई थी, तो तब भी हमने बढ़ चढ़ कर सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार ने आज दिन तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। उसी कड़ी को लेके इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ है तो हमारी बढ़ चढ़ कर सेवाएँ जो हैं वो जारी है। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ से ऑटो हमारा फ्री जाता है SMG हॉस्पिटल तक, यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट तक। यानी कि जब से ये लॉकडाउन लगा है 26-27 दिन हो गए हैं, हमारी फ्री सेवा जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ये कोविड ख़त्म नहीं हो जाता। मेरी आपके माध्यम से LG साहब से यही गुजारिश है, कम से कम हम गरीब तबकों को भी देखा जाए। बहुत सारे ऐसा सिस्टम है, खासकर हमारे ट्रांसपोर्टरों का, जो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप देखें कितनी महंगाई है, पेट्रोल कितना महंगा है, तो आज की डेट में देखें मेटाडोर ड्राइवर जो हैं, बस ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो ड्राइवर, सभी भूखे हैं, सभी भूखे मर रहे हैं। तो मैं SSP साहब से भी कहूँगा, IG साहब से भी कहूँगा, प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी क्लास लें इनकी, क्योंकि जो गरीब तबका चल रहा है थोड़ा बहुत 100-150 या 200 रुपये कमा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे जगदीश जी के? मैं तो यही कहता हूँ भैया, जो महामारी चली है यहाँ पे, हम सेवा एक महीने से हम सेवा लगाई हुई है, सुपर हॉस्पिटल, शालामार हॉस्पिटल, हम कोरोना पेशेंट हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उनको छोड़ने जाते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हम फिर भी उनको छोड़ने जाते हैं, हम उनसे चार्ज नहीं लेते। बाकी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, तो काम तो है ही नहीं है, आप खुद देख रहे हो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुबह का मैं आया हूँ, 6:30 बजे का आया हूँ, एक फेरा मैंने 50 रुपये का लगाया है सिर्फ। क्या कहेंगे, फ्री जा रही है? जी सर, फ्री जा रहे हैं। तो कहाँ जा रही हैं? मैं सुपर में जा रहा हूँ सर। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि इनका भी कोई मदद करे? सर ये तो यहाँ पे बहुत अच्छे है, ये ऑटो वाले फ्री ले रहे हैं, और सर ये लोग कुछ खाना दे रहे हैं, बहुत धर्म कमा रहे हैं सर, वरना हम लोग तो, मैं तो गुंडों से हूँ, यहाँ तो फाके लग जाने से, बहुत धर्मी लोग हैं सर यहाँ। सरकार से क्या अपील करेंगे, इनको भी कोई मदद मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, इनको मदद मिलनी चाहिए। अशोक कुमार। अशोक जी, आप कितने साल से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं? मैं 25 साल से ऑटो चला रहा हूँ। आप यहाँ पे सेवा दे रही हैं इस टाइम, ठीक है सेवा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? जो सेवा बनती है हमारे हक में जितनी है, तो हम इतनी ज़रूरत पूरी करेंगे लोगों से। तो आपकी कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा अभी? हाँ तो जी? आपको कोई मदद नहीं मिल रहा सरकार? मदद तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने बलबूते पर ही काम करते हैं, जितने भी ऑटो वाले स्टैंड है, तो जो हमारे मन में आए, हमारे प्रधान साहब है, तो हमने जो राय पास करते हैं स्टैंड में उसी मुताबिक काम करते हैं। चरणजीत सिंह है, मैं कन्वीनर, को कन्वीनर ट्रांसपोर्ट सेल हूँ BJP जम्मू का। जो हरदेव जी ने जो बताया है, जो हरदेव जी की फ्री सेवा ऑटो वाली, ये पूरा एक महीना हो गया इनको चलते हुए, ये जो 400-500 रुपये अगर कमाते भी हैं तो सब यहीं पे लगा देते हैं। LG साहब से रिक्वेस्ट हमने पहले भी की है, इस बार भी कर रहे हैं कि LG साहब इन गरीबों का भी ध्यान दें, जैसे आप लोगों ने सबको
रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ऑटो ड्राइवरों को भी रिलैक्सेशन दें, इनको भी कुछ पैसा इनके खाता में डालें, जैसे दिल्ली में डाला है, हर जगह पे डाल रहे हैं पैसे इनको, इन ऑटो ड्राइवरों को कुछ मिलना चाहिए।